से हैं, और मैं ढूंढ रहा था कि छपा तो था कि सी एल जी आएंगे, लेकिन निगाहें खोज रही थी। आगे आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें तो बस में सबसे पहले तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आएगी। आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है, शहीदों को समर्पित है, वैलेंटाइन डे को समर्पित है, भारत माता को समर्पित है। मैं थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा। अरे मनीषा जी, अरे क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे पुराने मित्र हैं भाई। बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, और बहुत सुना है हमको, और विवशताएँ होती हैं। आज यहाँ दो तीन कवि सम्मेलन हैं इस पे फिरोजाबाद में, और ये एक महोत्सव है मना रहे हैं आप शहीदों की स्मृतियों में। बहुत देर से सोच ही रहा था कि क्या सुनाऊंगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना दिया। पहला तो काम करना भैया, अपने मोबाइल बंद कर देना, ये बड़ा मुझे एलर्जी होती है। मोबाइल मेरे पास भी है, इसलिए क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना, कभी मोबाइल में गुम हो जाता है, कभी भी मोबाइल हो जाता है। अब जितने भी लोग रह गए हैं, इतने ही लोगों से की मुझे अपेक्षा थी, उतने ही लोग हैं जो कविता से जिनका कोई वास्ता नहीं था, वो अपने घर चले गए। आप लोग हैं, कविता को सराह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चला था मणिकांचन, चला था तब नजर थी पांव पर अपने, देखिए मोबाइल आ गया ना अब ये। हाँ, हम एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद आएंगे। हाँ हाँ, हाँ चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, चल रहा। अभी यही तो दर्द है। और जब मोबाइल नहीं था तो दर्द नहीं था। हाँ, बड़ा उनको उदय प्रताप का बहुत अच्छा शेर है, याद आता है तो सुनाता हूँ कि नहीं, तो बहुत अच्छे शेर कहाँ याद करते हो तुम यार। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, लिखते थे रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो मोबाइल में अब वैलेंटाइन डे जो हो, मोबाइल से कहाँ होता, खत लिखने में कितना समय लगा करता था, प्यार का खत लिखना आसान काम। बहुत अच्छा वो शेर है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। निदा फाजली मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे साथ फिल्मों में भी उन्होंने साथ लिखा, और अच्छे दोस्त थे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शेर अब भी हैं। चलिए, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज्जत,
आपने मुझे बख्शी तो मैं आराम से घर लौट जाऊंगा। और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे। तो आपका शुक्रिया। ममता वाणी ने बहुत अच्छा सुनाया। ममता को पहले थोड़ा सा और पहले सुना देते तो ज़्यादा लोग सुनते। हमें तो सुनते सुनते अब हमारा तो अब जीवन सुनते सुनाते ही बीत गया। हम भी पीरों के पीर हो जाते, हम भी पीरों के पीर हो जाते, सर झुकाते अमीर हो जाते। आगे आ जाओ आप लोग पीछे, क्योंकि हमेशा खतरा पीछे वालों से रहता है, आगे वाले से कोई खतरा है। अब पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। सुनो, अच्छा लगता है। सब हमसे छोटे हैं तो हम इनको आदेश भी दे सकते हैं। मान लिया, आपका शुक्रिया। हम भी पीरों के पीर हो जाते, सर झुकाते अमीर हो जाते, और झूठ को सच अगर कहा होता हम भी शायद वजीर हो जाते। कविता यार खुददारी की चीज है, आपसे दाद मांग के नहीं ली जा सकती, और कभी भिखारी भी नहीं होता, वो दाता है, देता है। कभी का जन्म देने के लिए हुआ है, कुछ देके जाता है। पहले तो जो आपने बैनर लगाया है शहीदों के लिए, तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं। शहीद पुलवामा का हो या कहीं का भी हो, शहीद तो शहीद है। वो जानता था कि शौक मरने का, वो जानता था कि शौक मरने का कैसे कैसे गजब दिखाता है। बूंद अगर मिटने पे आ जाए तो उसमें सागर भी डूब जाता है। सर करना, सर हथेली में लेके जाना, ये जज्बा जब सेना में भर्ती होता है नौजवान तो उसके दिल में होता है। ये शौक है, सेना में भर्ती होना शौक है, जरूरत नहीं है। हम कहते हैं हमने उनको इतना दे दिया, इतना दे दिया, मरने पर 25 लाख दे दिए, नहीं, वो अपने शौक से मरा है, मोहब्बत की देश के। जो मर कर अमर शहीद हुए, जो मर कर अमर शहीद हुए, उनके पौरुष बलिदानी थे। जो मर कर अमर शहीद हुए, उनके पौरुष बलिदानी थे। सरहद पर जिनकी जान गई, सरहद पर जिनकी जान गई, वो सच्चे हिंदुस्तानी थे। वो सच्चे हिंदुस्तान, सूरज ने उन्हें सलाम कहा, सूरज ने उन्हें सलाम कहा, रथ चंदा का भी झूम लिया, सूरज ने उन्हें सलाम कहा, रथ चंदा का भी झूम लिया, हिमगिर की चोटी ने झुक कर वीरों का माथा चूम।
वीरों का माथा चुनिया बर्फीली घाटी के ऊपर बर्फी। अब देखिए कविता कविता शब्दों में कैसे जान डाल। बर्फीली घाटी के ऊपर चढ़ गए आग के पानी थे सरहद पर जिनकी जान गई वे सच्चे हिंदुस्तान। वे सच्चे हिंदुस्तानी थे। कुछ ने तो चिट्ठी भेजी थी छुट्टी लेकर घर आएंगे, कुछ ने तो चिट्ठी भेजी छुट्टी लेकर घर आएंगे। घर वालों को था पता कहा उनके सुहाग मिट जाएंगे। घर वालों को पता कहा उनके सुहाग मिट जाएंगे। अरे उनको क्या दान करोगे तुम, उनको क्या दान करोगे तुम, वो सबसे बढ़कर दानी थे सरहद पर इनकी जान गई वे सच्चे हिंदुस्तान। मैं अपना क्योंकि समय बहुत हो गया है तो अलग अलग ढंग की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें करके समापन कर दूंगा। क्योंकि मेरी कविता कई रंगों में बिखरी हुई कविता है, बहुत तमाम रंग हैं कविता के। इश्क का भी रंग है, मोहब्बत का भी रंग है, हंसी खेल का भी रंग है, राजनीति का भी रंग है, बहुत रंग है। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सुनाकर समापन करूंगा अपने कार्यक्रम का। चलिए उठाता हूं आपसे। मोहब्बत मोहब्बत बड़ी मुश्किल चीज होती है, लेकिन होती है तो होती है। अब मंच पर केवल ममता वाले जी हैं, वह इन्हीं को समर्पित कर देता हूं। और अरे भाई समर्पण तो कभी भी हो सकता है, इसमें उम्र का क्या सवाल है। आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये खिलखिलाते हुए आठ है, ये आवाजें, ये आपका वाचाल होना हमको अच्छा लगता है। और अगर जिंदगी में वाचालता नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। पूरी तरह से मुक्त हो जाइए। मोहब्बत 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 की अब हम सदा चाहते हैं। अब मुझे क्या मालूम कि आपका प्रसाद जी से रिश्ता है, मुझे पता ही नहीं। अच्छा मोहब्बत मोहब्बत की अब हम सजा चाहते, मोहब्बत की अब हम सजा चाहते।
अब ये सब नए नवीन कार लिखे हुए हैं, मोहब्बत के डूबे डाबे हैं, पता नहीं करते ये वाकई में है कि ये सब ऐसे ही है। मसनूई मोहब्बत बहुत होती है, ज़्यादातर लोग अपने ख्वाब में मोहब्बत कर लेते हैं, सपनों वाली मोहब्बत के लिए शायर है ये। शायर तो वो होता है जो मोहब्बत में डूबा। मोहब्बत अब हम सजा चाहते हैं, सजा भी मगर बा मजा चाहते। इनके विष्णु का तो शरीर ही ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने मोहब्बत की है। मोहब्बत अब हम सजा चाहते हैं, सजा भी मगर बामजा चाहते हैं, सजा भी मगर बामजा चाहते हैं। जमीन पर सलीके से जो चल ना पाए, हाँ मोहब्बत कितनी कठिन चीज है इसकी अगली लाइन बताता हूँ। जमीन पर सलीके से जो चल ना पाए, जमीन पर सलीके से जो चल पाए, समंदर में वो रास्ता चाहते। मोहब्बत 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 में अब हम सजा चाहते अभी तक न जाना, अभी तक न समझे, अभी तक न जाना, अभी तक न समझे, अभी तक न जाना, अभी तक न समझे कि हम आपको क्यों भला चाहते। समझे कि हम आपको क्यों भला चाहते, मोहब्बत की अब हम सजा चाहते। बहुत अच्छा सुना यार, बहुत अच्छा। हम तो बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि हम कितने सुनने वाले बचेंगे भी नहीं बचेंगे। अब क्या क्या है कि वो और कविता के 50 साल हो गए हैं मुझे कविता पर भरसे हुए, बहुत लंबा अर्सा हुआ है। फिरोजाबाद कई बार आया, बहुत ज़्यादा खूब सुना है लोगों ने, बहुत असली सुना है। हाँ शुक्रिया बहुत। आप सुनने वाले हैं तो हम भी सुनाने वाले हैं। गुनगुनी धूप सी लग रही हो, गुनगुनी धूप सी लग रही हो आज तो तुम नवेली गुनगुनी धूप सी लग रही हो, आज तो तुम नवेली आके देखो हमारी गली में,
ये कविता देखिए मरहम है। जब कभी आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाए तो यूं ही संबोधन करना, हाँ, सारा गुस्सा होकर और हर घर में होते हैं, कभी ऊपर से बर्तन नीचे गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है रसोई घर में। जब बर्तन ज्यादा गिरने लगे तब ये कहना, गुनगुनी धूप सी लग रही हो आज तो नवेली नवेली, आके देखो हमारी गली में लोग लेंगे हथेली हथेली। पहनो पीतल की पायल अगर तुम, पहनो पीतल की पायल अगर तुम, बहनों पीतल की पायल लगर तुम, भाव सोने के गिरने लगेगा। बहनों पीतल की पायल लगर तुम, भाव सोने गिरने लगेगा। वेणी गूंथोगे जब तुम कली से, वेणी गूंथोगे जब तुम कली से, हर हिमालय पिघलने लगेगा। वेणी गूंथोगे जब तुम कली से, हर हिमालय पिघलने लगेगा। दौड़ कर तुमसे पूछेगी खुशबू, दौड़ कर तुमसे पूछेगी खुशबू, क्या बनोगी हमारी सहेली। आज देखो गली में रोगी हथेली हथेली, गुनगुनी धूप सी रूप सी धूप सी रूप सी धूप सी लग रही हो। ये भी मेरी कविता का रंग है। और एक रंग यह भी, क्या कर रहे हैं? ना पढूं क्या लिखा है तेरे हाथ में, ना पढूं क्या लिखा है तेरे हाथ में, ना पढूं क्या लिखा है तेरे हाथ में, हाथ अपना तू रख दे मेरे हाथ में। तेरे हाथ में, हाथ अपना तू रख दे मेरे हाथ में। राम जी की कसम, श्याम जी की कसम, राम जी की कसम, श्याम जी की कसम, है मोहब्बत की रेखा तेरे हाथ में। राम जी की कसम, श्याम जी की कसम, है मोहब्बत की रेखा तेरे हाथ में। आइए, आप बहुत शांत हो गए क्या? कहीं कुछ
कुछ हलचल नहीं है, दिल खड़ा कहा है कि मेरी यदि धड़कन नहीं है हल्की। आपको देखो, मुझे छेड़ो मत, मुझे अच्छे लोग मिले हैं तो अच्छे लोगों को अपने मन से चुनना। खामोशी से जान भी ले ली, खामोशी से जान भी ले ली, खामोशी से जान, हमेशा जान बड़ी खामोशी से ली जाती है मोहब्बत। खामोशी से जान भी ले ली, कुछ ऐसे संजोग मिले, खामोशी से जान भी ले ली, कुछ ऐसे संजोग मिले। अरे सख्त सफर था, सख्त सफर था, सख्त सफर था, फिर भी कितने अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे 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 लोग मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले। प्यार से आखिर, हुस्न से आखिर कब तक डरती, हुस्न से आखिर कब तक डरते, हम ना मरते तो क्या करते। हुस्न से आखिर कब तक डरते, हम ना मरते तो क्या करते। अरे जिन चेहरों पर हम फिसले थे, जिन चेहरों पर हम फिसले थे, वे सब धारे जो मिले। सख्त सफर था, फिर भी कितने अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार से सुनते हैं। प्यार एक राजा है जिसका बहुत बड़ा दरबार है। प्यार एक राजा है जिसका बहुत बड़ा दरबार है, पीड़ा जिसकी पटरानी है, आंसू राजकुमार है। प्यार एक राजा है जिसका बहुत बड़ा दरबार है। अरे प्यार की पहली चिट्ठी आई, चिट्ठी आई प्यार की, प्यार की पहली चिट्ठी आई, चिट्ठी आई प्यार की, प्यार की पहली चिट्ठी आई प्यार की। मुट्ठी तक थर्रानी है, मुट्ठी तक थर्रानी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है और पहला पहला पानी है। प्यार की पहली चिट्ठी आई, चिट्ठी आई प्यार की, चिट्ठी आई चिट्ठी आई प्यार की। अब तक याद है चौखट थामे दो बाहें मस्तानी, मंजर कशी देखिएगा सारा। अब तक याद है चौखट थामे दो बाहें मस्तानी, बड़ी बड़ी दो आंखें उनमें सपनों की अगवानी, बड़ी बड़ी दो आंखें सपनों की अगवानी। एक हाथ माथे पर रखना एड़ी का उचकाना, एक हाथ माथे पर रखना एड़ी का उचकाना, फिर आंगन तक जाना रात
Java. चिट्ठी आई प्यार की
और एक एक मंजर जो जीवन में कभी कभी हर एक के घटता है, कभी कभी आदमी फूलों का इंतजार करता है, माला का इंतजार करता है। जब एक रोज पड़ोसन मालन दे गई थी एक माला, जब एक रोज पड़ोसन मालन दे गई थी एक माला, मैंने उस माला का जाने क्या क्या अर्थ निकाला। जब एक शौक से उसको पहना फिर बांधी थी अपनी कलाई, शौक से उसको पहना फिर बांधी थी अपनी कलाई, उसकी खुशबू आज तलक तो नहीं गई हर जारी, उसकी खुशबू आज तलक तो नहीं गई हर जारी, डरता हूँ चिट्ठी को खोलू शायद ये न लिखा हो, डरता हूँ चिट्ठी को खोलू शायद ये न लिखा हो, मेरी तो कुड़माई हो गई आकर मुझे विदा दो, आकर मुझे विदा दो। जब तक दिल में हरकत है तो, जब तक दिल की हरकत है तो हसरत वही पुरानी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है पहला पहला पानी, प्यार की पहली चिट्ठी आई प्यार की, चिट्ठी आई प्यार की, चिट्ठी आई। और सुना सुने, इश्कन इश्कन हवा चली, असली वैलेंटाइन डे तो अब है, अरे इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। मौसम क्या है बसंत, आप देखिए दो चार दिन के बाद वसंत है, और वसंत एक ऐसी ऋतु है जब अच्छे अच्छों के रिश्ते बदल जाएंगे वसंत की ऋतु में। तो इस गीत को सुन लीजिए और मुझे बिता दीजिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है, मुझे भी आगरे तक जाना है। इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, गुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। ये पॉजिटिविटी है, इसमें निराशा नहीं है, नहीं मिली तो खोज जारी रखनी चाहिए, तो इसमें नेगेटिविटी मत देखिएगा। कविता नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है हमेशा। इश्कन इश्कन, अब जितने भी हमारे साथ रह रहे हैं, चाहे दस रहे हो